दीनदयाल का निशान क्या, कोटली का निशान क्या, कश्मीर का निशान क्या, नौजवानों का निशान क्या, बहादुरों का निशान क्या, कायदे आवाम का निशान क्या, शहीद बीबी का निशान क्या, जीत का निशान क्या, जिए भुट्टो। बता सकता हूं, आप घर घर जाए, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के पैगाम लेके जाए कि अगर आपने भुट्टो शहीद के दौर में जिए भुट्टो का नारा लगाया तो बिलावल भुट्टो सरदारी की आपकी जरूरत है। अगर आपने बीबी शहीद के दौर में जिए भुट्टो का नारा लगाया तो आए हम बीबी के मिशन मुकम्मल करने निकले हैं, बिलावल को आपकी जरूरत है। अगर आपने मरते हो सदर सरदारी में जिए के दौर में जिए भुट्टो का नारा लगाया तो पार्टी के आपकी जरूरत है। माजी को आप भूल जाए, माजी को आप भूल जाए, हमने मुस्तकबिल का तैयारी करना है। पाकिस्तान के लिए, पूरे खत्ते के लिए एक इम्तिहान आने वाला है और हम समझते हैं कि सिर्फ एक ही जमात है जो पाकिस्तान का मुफाद का दिफा कर सकते हैं, सिर्फ एक ही जमात है जो गरीब आदमी का सहारा बन सकता है, सिर्फ एक ही जमात है जो मुआशी बोहरान से हमें निकाल सकता है, सिर्फ एक ही जमात है जो चीन से भी बात कर सकता है, जो अमेरिका से भी बात कर सकता है, जो भारत के आंखों में आंखें डालकर बात कर सकता है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो तीर के साथ तो इंशाल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत नक्याल की होगी, जीत कोटली की होगी, जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। कि ये हमारा तीसरी नस्ल का रिश्ता है, आपने कायदे आवाम के साथ देखकर तारीख रकम किया था, आपने शहीद बीबी के साथ देख के तारीख रकम की थी। अब मैं आपके दरमियान में हूं, मैं आपके दरमियान में हूं, एक पैगाम है मेरे पास कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का मिशन नामुकम्मल है, कायदे आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का मिशन नामुकम्मल है। और जहां आज तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जयाले कायदे आवाम के फलसफे से वफादार है, शहीद बीबी के फलसफे से वफादार है, कुछ दरमियान में ऐसा फासला आया, ऐसा टाइम आया कि वही लोग जो शहीद बीबी के नाम पे वोट लेते थे, वही लोग जो शहीद बीबी की कुर्बानी की वजह से वजीर बने थे, वो पार्टी को धोखा देकर भाग गए। भुट्टो शहीद का नजरिया को धोखा देकर भाग गए, शहीद बीबी का नजरिया का धोखा देकर भाग गए। मगर आज बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद है, मैं आपके साथ वही रिश्ता जोड़ना चाह रहा हूं, हर जियाला को वो पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। कश्मीर के अवाम अपने मुस्तकबिल का फैसला करें। जब भुट्टो शहीद ने नारा लगाया था कि हमारा नारा सबसे बड़ी राय शुमारी, तो फिर भुट्टो शहीद का सोच ये था, भुट्टो शहीद का फलसफा ये था कि इस खत्ते का मुस्तकबिल का फैसला इस खत्ते के अवाम करेंगे। जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो फोकस की, पार्लियामानी निजाम पे फोकस की, तो उसकी सोच यही थी कि इस खत्ते के फैसले आप करेंगे। आज भी जब हम नेशनल असेंबली पे खड़े होकर इस हुकूमत को लड़काते हैं, कश्मीर का सौदा ना मंजूर का नारा लगाते हैं, तो हमारा फलसफा ये है, हमारा सोच ये है कि आप अपना ही मुस्तकबिल के फैसला करें, आप अपना किस्मत का फैसला करें। जब आपका फैसला होगा तो आपका फलाई का फैसला होगा। जब कोई कठपुतली आपके लिए फैसला लेगा, जब कोई कठपुतली आपके लिए फैसला लेगा, तो आपके फलाह के लिए वो फैसला नहीं होगा। पीपल्स पार्टी, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे वो
معاشی پالیسی ہو چاہے وہ ملک کے اندر ہمارا جمہوری پالیسی ہو ہم تو بالکل ہی کلیئر ہے ہمارے اندر نہ کوئی کنفیوژن ہے ہم آپ کے پہ یقین رکھتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر کا مستقبل کشمیر کا فیصلہ کشمیر کے عوام کریں گے ہم سمجھتے ہیں اگر اس خطے کے کوئی فیصلہ ہونا ہے آپ کے مستقبل کے فیصلہ ہونا ہے تو آپ وہ خود کرے وہ نکیال کے عوام کرے وہ کوٹلی کے عوام کرے وہ مظفر آباد کے عوام کرے ہم یہ نہیں سمجھتے کہ اسلام آباد کو یا دہلی کو کشمیر کے عوام کا مستقبل کے فیصلہ کرنا پڑے گا ہم سمجھتے ہیں کہ آپ حکم کریں گے آپ حکم کریں گے اور ہم آپ کے حکم پہ مانیں گے آپ حکم کریں آپ حکم کریں کہ بھارت کے ساتھ امن ہو تو کل امن ہوگا آپ حکم کریں کہ بھارت کے ساتھ جنگ ہوگا تو کل جنگ ہوگا آپ ان سب کو پہچانو آپ ان سب کو پہچانو یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں آج کے ہو کل کے ہو یہ بنے بنائی سیاسی جماعتیں ہیں آج کا سلیکٹڈ ہوگا آج کا کلکت پٹلی ہوگا تو کل کوئی اور کا پٹلی تھا کل کوئی اور سلیکٹڈ تھا مگر پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے لے کے آج تک صرف اور صرف عوام پہ یقین رکھتے ہیں عوام کی طاقت کے بھی یقین رکھتے ہیں کسی چور دروازوں سے حکومت میں آنے کے یقین نہیں رکھتے ہیں ہمارا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ قائد عوام کا دور ہو پیری شہید کا دور ہو مرد حر صدر زرداری کے دور ہو تو اگر کوئی جماعت ہے جس نے اس ملک کے غریب عوام کے ساتھ دیا ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کشمیر کے مقابلے میں آزاد کشمیر میں زیادہ روزگار ہونا چاہیے مقبوضہ کشمیر کے مقابلے میں آزاد کشمیر میں زیادہ معاشی ترقی ہونا پڑے گا میں سمجھتا ہوں کہ مودی کا شکست تب ہے جب آزاد ہم نے نہ صرف مقبوضہ کشمیر میں بسنے والوں ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ دینا ہے ہم نے آزاد کشمیر میں بسنے والوں کے ہاتھ کو پکڑنا ہے ہم نے آپ کو مضبوط بنانا ہے ہم نے آپ کو معاشی طور پہ مضبوط بنانا ہے ہم نے اگر وہاں مقابلہ کرنا ہے اگر ہم نے بھارت سے مقابلہ کرنا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی تو ڈپلومیٹک لیول پہ بھی مقابلہ کرے گی پاکستان پیپلز پارٹی ہر سطح پہ مقابلہ کرے گی مگر جو سب سے اہم مقابلہ ہے وہ یہ مقابلہ کرتا ہے تو بزدل نیشنل اسمبلی کے فلور پہ کھڑا ہو کر سوال کرتا ہے کہ میں کیا کروں مودی تاریخی حملہ کرتا ہے تو کٹ پٹلی کا جواب کیا ہے کہ ہم کشمیر ہائی وے کا نام آپ سری نگر ہائی وے رکھیں گے مودی تاریخی حملہ کرتا ہے اور وزیر اعظم پاکستان خاموش ہو
मोदी तारीखी हमला करता है और वजीर आजम पाकिस्तान बुजदिल हो, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता, ये आजाद कश्मीर के अवाम से बर्दाश्त नहीं होता। आजाद कश्मीर के अवाम 25 जुलाई को पूरी दुनिया को पैगाम देंगे, पूरी दुनिया को पैगाम देंगे कि आजाद कश्मीर को के अवाम एक अवामी जमात के साथ है, पीपल्स पार्टी के साथ है। वो ना मुजफ्फराबाद में कठपुतली चाहते हैं, ना इस्लामाबाद में कठपुतली चाहते हैं। हमने कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो से सीखा कि अगर हमें हजार साल जंग लड़ना पड़े तो हम हजार साल जंग लड़ेंगे। हमने शहीद रानी से सीखा, हमने शहीद रानी से सीखा कि जहां हमारे कश्मीरी बहन भाइयों का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। हमने हमेशा कश्मीर को उसको हर फोरम पे लड़ा। एक तरफ वो कायदे अवाम था जो जब कश्मीर में स्ट्राइक का कॉल देता था तो एलओसी की इस तरफ पे स्ट्राइक होता था और एलओसी का उस तरफ पे स्ट्राइक होता था। अब हमारा मुल्क आप किस्मत देखें, हमारा तो बुजदिल वजीर आजम है, हमारा तो कठपुतली वजीर आजम है। मोदी तारीखी हमला करता है तो बुजदिल जवाब भी नहीं दे सकता। क्या करते हैं ये वो जियाले हैं जो मोदी के आंखों में आंखें डालकर, आंखों में आंखें डालकर जवाब देते हैं। ये जियाले हैं, ये अपने शादियों पे मोदी को दावत नहीं देते हैं। ये जियाले हैं, ये मोदी की इलेक्शन में फतह के लिए दुआ नहीं मांगते हैं। ये जियाले हैं, ये मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ शाना बेशाना खड़े हैं। ये जियाले हैं, और हमारा जियालों का नारा है कि कश्मीर पे सौदा, कश्मीर पे सौदा, कश्मीर पे सौदा। हमने हमने अपने मौजूद है उनका दिफा करने की। हम आपको इस किस्म का सियासत नहीं करने देंगे, इस किस्म का सियासत नहीं करने देंगे। जहां एमसी वाला ने पथराव करवाया तो कुछ दिन पहले सदर लतीफ अकबर साहब पे फायरिंग करवाया गया, इस दफा वो वोट की इज्जत करने वाले ने फायरिंग करवाए। मैं उनसे पूछता हूं, क्या वोट की इज्जत बंदूक से होता है कि अवाम का वोट से होता है? मैं एमसी को भी पैगाम देना चाह रहा हूं और वोट के इज्जत के नाम पे सियासत करने वाले को पैगाम दिलवाना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके आपके खिलाफ एक पत्थर भी नहीं उठाएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक गोली भी नहीं चलाएंगे। हम आजाद कश्मीर के अवाम के ताकत पे हुकूमत बनाएंगे, हम आजाद कश्मीर के अवाम के वोट के ताकत पे एमसी का भी बंदोबस्त करेंगे, वोट की इज्जत वाले का भी बंदोबस्त करेंगे और कठपुतली वाले का भी बंदोबस्त करेंगे। लेकिन उनको मालूम होना चाहिए, उनको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चेयरमैन मौजूद है, नौजवान चेयरमैन मौजूद है। हम आपको ऐसा नहीं छोड़ेंगे। आप सही सिमत पे आ जाए, आप वोट के ताकत पे हमारा मुकाबला करें, आप हमारा जियालों का इंतहा मत लेना। ये वो जियाले हैं जिसने जियाल हक का मुकाबला किया, ये वो जियाले हैं जिसने बलकोराम और शरफ को भगाया,
ये वो जिहाले हैं जो दहशत गर्दों के अस्सलाम वालेकुम जिए भुट्टो। नक्याल के नौजवानों, हमारे साथियों, आज 5 जुलाई को मैं आपके दरमियान खड़ा हूं। आपको बताएं कि पूरा पाकिस्तान के लिए, पूरा पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए, हर जियाला के लिए, हर जमहूरी पसंद पाकिस्तानी के लिए, हर मोहब्बत वतन पाकिस्तानी के लिए 5 जुलाई सिया तरीन दिन है। 5 जुलाई को कायदे आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत को खत्म करके मार्शल लॉ डिक्लेयर किया गया। कायदे आवाम जो हमारा 8वीं प्रोग्राम की फाउंडर था, कायदे आवाम जो OIC का इस्लामिक समिट का चेयरमैन था, कायदे आवाम जिसने सरजमीन को आईन दिलवाया था, इस्लामिक आईन, जमहूरी आईन, वफाती आईन, भुट्टो का आईन दिलवाया था। कायदे आवाम जिसने गरीब को आवाज दिलवाया था, मजदूर को हक दिलवाया था, किसान को जमीन दिलवाया था, वो कायदे आवाम का हुकूमत खत्म करके जेल में बंद करके तख्ते तार पर लटकाया गया। वो समझते थे कि कायदे आवाम के हुकूमत खत्म करके, कायदे आवाम को शहीद करके वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म कर देंगे, वो गरीब का हकूक सलब कर देंगे, वो जमहूरी इस्लामी वफाकी आईन को खत्म कर देंगे, वो पाकिस्तान के आवाम के हकूक पे सदा कर देंगे। मगर शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो परचम थामे, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने एक नहीं 2 अमरों का मुकाबला किया। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने अपना वालिद का नाम मुकम्मल मिशन को मुकम्मल करने में 30 साल जदोजहद की। 2007 में शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद किया गया, हमसे अपना शहीद रानी छीनी गई। वो एक वो तो समझ रहे थे कि शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को शहीद करके वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को खत्म कर सकते हैं, वो पाकिस्तान की गरीब आवाम से हकूक सलब कर सकते हैं, वो अपना गैर जमहूरी निजाम नाफिज कर सकेंगे। लेकिन मैं इन सारे के सारे कोतों को बताना चाहता हूं कि यहां नक्याल में देखो, यहां कायदे आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के जेल, यहां LOC के इस पार शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के बहादुर सफाए खड़े हैं। यहां वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के
खुशी वाले हैं, नहीं करते अपने अवाम के हकूक पे सौदा नहीं करते। और जब तक एक पीछे आला रहता है, हम आपके सारे के सारे मंसूबे नाकाम करवाएंगे। साथियों, वो आज भी आपसे डरते हैं, आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों से डरते हैं। ये बुजदिल हुक्मरान वफाक में हो, मुजफ्फराबाद में हो, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों से खौफ ज़दा है। वो इसलिए ये सारे के सारे कठपुतली जानते हैं, ये सारे के सारे कठपुतलियों की जमातों जानते हैं कि वो तो कागजी जमात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वही वाहिद सियासी जमात है जिसके साथ अवाम करे हैं, जिसके साथ गरीब अवाम करे हैं, जिसके साथ आजाद कश्मीर के नौजवान खड़े हैं। इन बुजदिल के सियासत को देखो, हमारा पार्टी की सदर पे लतीफ अकबर साहब पे दो दफा हमला हुआ है। वो क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सदर से डरते हैं? वो क्यों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से डरते हैं? आप वोट का मुकाबला करो, इलेक्शन का मुकाबला करो, हम आपकी तरह वायलेंस पे यकीन नहीं रखते। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस खेल में आ जाते, अगर मैं अपना जियालो को हुक्म दिलवा दूं, फिर आप कहीं के कहीं नहीं रहेंगे। एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम का जमात है, हम मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का तो बहुत एतराज करते थे, मगर ये किस किस्म का सियासत है? ये किस किस्म का सियासत है? ये तो एमसी का सियासत है, जहां आप हमारा सदर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर पे पथराव करने की कोशिश करते हैं। हम इसका मजम्मत करते हैं, हम मौजूद हैं अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वालों का, जमींदारों का दिफा करने भी देखा और नून का तरक्की भी देखा। यहाँ के आवाम ने तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को भी भुगता है। आप हर सियासी जमात को जानते हो, आप इन सब को पहचानते हो। इंशाल्लाह ताला अब आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका देंगे, आप मुझे मौका देंगे ताकि मैं शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का नाम मुकम्मल मिशन को मुकम्मल कर सकूं, ताकि हम मिलके कायदे आवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नाम मुकम्मल मिशन मुकम्मल कर सके। और मैं आपसे इतना वादा कर सकता हूँ, मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि हमारा सियासत सच का सियासत होगा। जो मैं आपसे जलसा में कहता हूँ, वैसे ही मेरा सियासत चलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि जलसा में कोई और ऐलान हो, कैंपेन के दौरान के और ऐलान हो, और हुकूमत में आके किसी और पॉलिसी में अमल हो। आपने ये इमरान को देखा, जिसने 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके आपसे नौकरी छीनने का सिलसिला शुरू कर दिया। 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके जिसके पास रोजगार था उसको भी बेरोजगार कर दिया। हम वो जमात है जो वादा करके पूरा करते हैं। आपने इस बुजदिल कठपुतली को देखा, 50 लाख घर बनाने का वादा किया था, 50 लाख घर बनाने का वादा तो किया था, मगर हुकूमत में आके इंक्रोचमेंट के नाम पर आम आदमी को बेघर कर रहा है।